तो अगर हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो हम क्या करें, हमको भी मौका मिलना चाहिए। राज घरानों का एक विशेष महत्व था अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में, और उसी को सोच समझ करके उनको आगे जो है बढ़ाने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही मजबूत दावेदार कोरबा लोकसभा से और बिलासपुर लोकसभा से सामने आएंगे बहुत जल्द ही। नमस्कार, मैं हूं शरद अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 का खबर चुनावी। ये खबर चुनावी इसलिए है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे चुनावी मुद्दों की। ये बात आज है महलों की राजनीति की। दरअसल छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से महल को तवज्जो दी जा रही है, राज परिवारों को तवज्जो दी जा रही है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को टिकट दी गई थी, संयोगिता जुदेव को दी गई थी, और अभी राज्यसभा सांसद जो बनाया गया है वो भी एक राजघराने संपर्क रखते हैं। तो महलों की राजनीति आखिर छत्तीसगढ़ में और देश में कितनी कारगर होगी, ऐसे ही दावा पेश किया छत्तीसगढ़ के एक गढ़ पेंड्रा के रहने वाले राजा उपेंद्र बहादुर सिंह ने। उनका दावे अपने दावे हैं, कोरबा को लेकर दावे कर सकते हैं, बिलासपुर में भी उनकी खासी दखलंदाजी मानी जाती है। आज जानेंगे कि आखिर महल की राजनीति कितनी कारगर होगी, क्या दावे होगा, जबकि महल को लगातार तवज्जो मिल रहा है, राजघरानों को तवज्जो मिल रहा है। देखिए, इसमें सबसे जो प्रमुख चीज़ है कि जो भी महल के लोग हैं या जो पुराने राजा हैं उनका जो परिचय का दायरा है वो भी उनके पूरे जो उनका जो राज्य का जो सीमा होता था उस पूरे सीमा में निश्चित रूप से पहले समय से ही दखलंदाजी है। तो वो और संगठन, उन दोनों का जो मिला जुला वो है, वो उससे फ़ायदा मिलता है और इसलिए महल को तवज्जो मिल रही है। पिंडरा क्षेत्र जो कि कोरबा और बिलासपुर दोनों लोकसभा का क्षेत्र है, यहाँ सतगढ़ जमींदारी का एक शब्द प्रचलन है। इन सात गढ़ों में आदिवासियों की काफ़ी संख्या भी है और दखलंदाजी भी है, क्या आधार होगा आपकी दावेदारी का? अभी दिसंबर महीने में ही यहाँ पिंडरा राजमहल में सतगढ़ महासम्मेलन का आयोजन हमने कराया था, जिसमें कोरबा लोकसभा के 5 विधानसभा उस सतगढ़ उसमें जमींदारी में आते हैं, जिनमें पिंडरा का मरवाही, पोड़ी उपरोड़ा का तानाखार, मातिन का तानाखार, लाफा का तानाखार, कटघोरा और छुरी जमींदारी, कोरबा और चापा का रामपुर। तो इस तरह से 5 विधानसभा इस सतगढ़ जमींदारी के दायरे में आते हैं। तो अगर निश्चित रूप से मौका मिलेगा तो सारे लोग एक साथ मिल के, संगठन के अलावा जो हमारी रीच है पुराने लोगों से, उसका उपयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ का पिंडरा वही जगह है जहां पर 124 साल पहले माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ नाम की कल्पना की थी, छत्तीसगढ़ मित्र नाम का अखबार निकाला था। तो क्या राजनीति किस जो अभी आपको इसमें तवज्जो मिलने की संभावना है कि छत्तीसगढ़ में 11 सीट में एक गढ़ पिंडरा को मिलेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी वर्ग को, वो चाहे निचला वर्ग हो या सामान्य हो या उच्च वर्ग हो, किसी भी वर्ग को टिकट देने में या लड़ाने में गुरेज नहीं करती। तो भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभावना है। तो राजा या राज परिवार को ही यदि ऐसी तवज्जो मिलती रही या पद मिलती रहे तो आम जनता और प्रजा का क्या होगा? देखिए, आप लगातार अगर दूसरे लोगों के अलावा अगर इस शब्द का अगर आप प्रयोग करेंगे तो अगर हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो हम क्या करें, हमको भी मौका मिलना चाहिए। कितनी दावेदारी है, कौन सी सीटों से दावेदारी करेंगे आप? दावेदारी कोरबा लोकसभा से ही है और बाकी पार्टी का जैसा निर्देश होगा वैसा करेंगे। भाजपा की बात करें तो भाजपा क्या सोचती है, यदि एक राजनीतिक के रूप में बात करूं, आप जिला अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, तो भाजपा के भी ऐसे राज महल को तवज्जो देने के पीछे क्या मंशा होगी? देखिए, ये एक दूरदर्शिता है। महल एक ऐसी चीज़ें रहीं कि जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी जिसने, ठीक है, मोदी जी की दूरदर्शिता है या भाजपा की दूरदर्शिता है कि जो अभी तक एकदम नीचे दबे हुए थे, बढ़ नहीं पा रहे थे। राज घरानों का एक विशेष महत्व था अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने में, और उसी को सोच समझ करके उनको आगे जो है बढ़ाने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। महलों का साम्राज्य अपने पक्ष में करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए जो भाजपा कर रही है, क्या कारगर होगा इस बार लोकसभा में?
देखिए, हर पार्टी में लोग महल से भी जाते हैं, आम कार्यकर्ता से भी लोगों को टिकट मिलती है, लेकिन ये नहीं लगता कि महल से ही देने से कोई उसमें कारगर साबित होगा। इस बार जो चल रहा है, जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बहुत ही मजबूत दावेदार कोरबा लोकसभा से और बिलासपुर लोकसभा से सामने आएंगे बहुत जल्द ही, और निश्चित रूप से उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को होगा। और मैं नहीं समझता कि महल के नाम से आपको इससे कोई बीजेपी कोई फायदा होगा। तो महल की राजनीति निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सक्रिय दिखाई देगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में प्रबल प्रताप सिंह जुदेव और उनकी रिश्तेदार संयोगिता जुदेव दोनों की करारी हार हुई थी और महल की राजनीति जनता ने अस्वीकार कर दी थी। देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा के पहले महल की यह राजनीति अब काउंट अब किस करवट लेगा। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा।